हाय दोस्तों, आप सब लोग कैसे? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग क्रिकेट टॉक मिश्रा जी में स्वागत है। मेरा नाम सुदीप मिश्रा है। आज बात करेंगे कि आईपीएल सेकंड लेग का आगाज हो गया है। पहला मैच सीएसके वर्सेस एमआई का मैच हुआ, जिसमें मतलब कि उस वक्त बात करेंगे एक और विराट कोहली जो भारत में कैप्टन है, आरसीबी के भी कैप्टन है, उस इस सीजन की कैप्टेंसी करने के बाद वो कैप्टन हमें नहीं दिखेंगे और ऐसे प्लेयर वो खेलते रहे लेकिन कैप्टन हमें करते हुए नहीं दिखेंगे आरसीबी की। उस टॉपिक बात करेंगे उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब मैच लें, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जी देखिए, सीएसके वर्सेस मुंबई का पहला मैच स्टार्ट हुआ आईपीएल का और सीएसके ने धोनी ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक समय ऐसा था कि मतलब कि स्टार्टिंग 30 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे, और उसके बाद गायकवाड और रविंद्र जडेजा जिस तरह की आगे पार्टी से बिल्डअप किया और मैच को आगे लेके गए। आगे ले जाने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा मतलब मैच बन गया। वहां से फिर रविंद्र जडेजा आउट हुआ तो डेन ब्रेबो बैटिंग करने आया, जब तो वहां पर एक टर्निंग पॉइंट ये था कि 8 गेंदों में 23 रन बनाया डेन ब्रेबो ने। वही सीएसके की टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर 15-20 रन शॉर्ट होते तो निश्चित रूप से ये मैच एमआई जीत सकती थी, क्योंकि 156 रन बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर था और गायकवाड ने बहुत अच्छी बैटिंग, क्लासिक शॉट खेला और जसप्रीत बुमराह को भी लास्ट गेंद पर एक छक्का भी मारा, बहुत अच्छे लेग साइड पर छक्का मारा जो मतलब कि यॉर्कर करने की कोशिश करता है लेकिन लो फुल टास्क गेंद गई जिसकी वजह से वो सिक्स को पड़ा उनको। लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग किया गायकवाड़ ने और एक मैच्योर इनिंग खेला ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से देखने को मिला। उसके बाद एमआई बैटिंग करने आई। एमआई देखिए, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों अवेलेबल नहीं थे, कुछ फिटनेस की इशू थी उनको दोनों लोगों को, और उसके बाद निश्चित रूप से एमआई को रोहित शर्मा की खली कभी खली और लोअर मिडिल ऑर्डर में भी हार्दिक पांड्या की कमी खली उनको, क्योंकि लास्ट में जब क्लिप प्लॉट आउट हो गया तो उसके बाद कोई स्ट्रोक प्लेयर नहीं था जो मतलब कि लंबे छक्के मार सके, लंबे चौके मार सके, वैसा कोई प्लेयर था नहीं। और हाँ, सौरभ तिवारी ने जरूर मतलब कुछ कोशिश किया और 40 गेंदों में 50 रन बनाए उन्होंने, लेकिन काम नहीं आया क्योंकि मतलब कि वहाँ पर स्ट्राइक रेट ज़्यादा चाहिए था और एमआई ये मैच हार गई। और नेक्स्ट अभी देखिए, अभी मैच का आगाज ही था तो अभी कुछ कह नहीं सकते, ले एमआई कभी और भी मैच बचे हुए हैं, सो लेट्स होप सब अच्छा हो। और देखिए उसके बाद देखिए, विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ दी है इस सीजन के बाद, वो कैप्टेंसी नहीं करेंगे आईपीएल की फ्रेंचाइजी की, आरसीबी की। और आरसीबी मुझे नए, हम लोग सभी लोगों को नए कोई कैप्टन दिखेगा, लेकिन ये भारतीय मतलब कि ये आरसीबी के फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी रिसेंटली विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय T20 में भारतीय टीम कैप्टेंसी करने छोड़ दी। उसके बाद कुछ 2-4 दिन बाद ही उन्होंने ये फैसला किया वो फ्रेंचाइजी की कैप्टेंसी नहीं करेंगे और आरसीबी मैनेजमेंट से भी बात कर ली है आरसीबी के, और उन्होंने फैंस को सबको शुक्रिया अदा किया, सालों से उन्होंने कैप्टेंसी की सब लोगों को सपोर्ट किया और अब हमको कैप्टेंसी में नहीं दिखेंगे उनकी, उनकी जगह कौन कैप्टन होगा अभी वो तो अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन अभी ऑप्शन होने वाला है उसमें पता चलेगा कि उसमें कौन कैप्टन होगा कौन नहीं होगा, तो बात की बात है। लेकिन अब हमको विराट कोहली ऐसे कैप्टन आरसीबी नहीं दिखेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि जब तक वो फ्रेंचाइजी किसी भी फ्रेंचाइजी खेलते रहेंगे, आईपीएल खेलते रहेंगे, तब तक वो एक ही आईपीएल खेलेंगे, वो है आरसीबी। लास्ट अपना लास्ट मैच फ्रेंचाइजी का भी वो आईपीएल आरसीबी से ही खेलेंगे, उसकी किसी और फ्रेंचाइजी कभी वो नहीं खेलेंगे, ना कभी खेला ना कभी खेलेंगे, उन्होंने यही बोला है और सबको अपना शुक्रिया अदा किया है। और देखिए इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे देखिए वर्कलोड का भी एक नाम विराट कोहली ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सालों से आरसीबी एक भी टाइटल आईपीएल का नहीं जीती है, तो उसकी एक इसकी उसकी एक वजह ये भी रही होगी, क्योंकि अब कितना भी मतलब कि कल ये जब तक आपके पास टाइटल नहीं होता है एक, तब तक क्या होता है कि जो बैक साइड से जो भी खबरें आती हैं, जो उसके प्रेशर निश्चित रूप से किसी भी प्लेयर के ऊपर बनता है, तो मुझे लगता है कि उसका भी उसका एक रीजन ये भी था कप्तानी छोड़ने का आरसीबी की। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी सब ख्याल रखिए, ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए, ऑलवेज पॉजिटिव कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, बाय, टेक केयर।